नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस पावर स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी तक हम देखा तो रिलायंस पावर में वापस आज अचानक यहाँ पे गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। कुछ फंडामेंटल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले लास्ट जो 5 ट्रेड देखने को मिल रही है उसमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है। और दोस्तों कंपनी का क्वार्टर वन का जो डेटा है वो कब तक देखने को मिलने वाला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों क्वार्टर वन को लेकर क्या नज़र आ रहा है, और अभी टाइम कंपनी का क्वार्टर वन का जो डेटा है वो किस प्रकार का नज़र आ सकता है वो यहाँ पे देखना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। और कंपनी को कर्ज मुक्त को लेकर क्या अपडेट यहाँ पे क्वार्टर वन में रहने वाली है, कंपनी डिविडेंड यहाँ पे आउट करेगी या नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिल रहा है आज की एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले दोस्तों अगर आज की मार्केट में अगर ओपनिंग अगर यहाँ पे देखी जाए तो 16.55 रुपये के साथ आज की मार्केट ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली। उसी बेसिस पर फंडामेंटल में इंट्राडे का जो जंप देखने को मिला वो 16.75 रुपये तक भी देखने को मिला। लास्ट क्लोजिंग अगर यहाँ पे देखने को मिली 16.55 रुपये पर आज की जो गिरावट नजर आई वो दोस्तों 15.85 रुपये तक भी देखने को मिली थी, पर आज की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो ओनली 16 रुपये पर देखने को मिली, जिसमें 55 पैसे का सीधा सीधा लॉस आज के इंट्राडे के बीच नजर आया। पर आज सबसे बड़ी मुरखता भी शेयर होल्डर्स करते हुए नजर आए तो उसकी वजह भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिटर्न पर 3.32% की बड़ी गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिली है। लास्ट अगर 5 ट्रेड अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसमें दोस्तों जो फंडामेंटल में अचानक जो तेजी यहाँ पे दोस्तों 16.85 रुपये तक भी देखने को मिली। अच्छी खासी उछाल देखने के बावजूद अगर यहाँ पे लास्ट ट्रेड में दोस्तों जो तेजी यहाँ पे देखने को मिली, मार्केट वापस गिरावट पर यहाँ पे क्लोज देखने को मिला आज। उसी विशेष पर अगर लास्ट एक महीने की तेजी में आप लोग को बताऊँ तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो 14.25% के आसपास की जो रिटर्न पर उछाल यहाँ पे देखने को मिली, जो काफ़ी बड़ी तेजी को यहाँ पे दर्शाती हुई भी नजर आई और फंडामेंटल को बड़ा जंप यहाँ पे देखने को मिला। तो इसी प्रकार कंपनी लगातार जो है तेजी को यहाँ पे दर्शाती हुई नजर आ रही है, और 6 महीने की तेजी अगर यहाँ पे देखी जाए तो मल्टीपल रिटर्न आप लोग को पिछले 6 महीने के अंदर आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो 3.5 रुपये की तेजी आप लोग को नजर आई। क्योंकि अब कंपनी को दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि कंपनी का जो क्वार्टर वन का जो टारगेट है वो लगभग 18 से 20 रुपये के आसपास यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे जो तेजी देखने को मिल रही है उसी टारगेट की तरफ यहाँ पे तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। भले दोस्तों आज अचानक गिरावट यहाँ पे क्यों ना देखने को मिली हो, फंडामेंटल करेस क्यों ना देखने को मिला हो, पर मंडे को जो तेजी आने वाली है वो दोस्तों वापस यहाँ पे मार्केट की जो हाईएस्ट इंट्राडे की जो क्लोजिंग यहाँ पे देखने को जो जंप की जो प्राइस रहने वाली है वो 18 रुपये देखने को मिलेगी, पर जो क्लोजिंग देखने को मिलेगी वो दोस्तों आप लोग मैं बता दूँ कि लगभग 17 से 18 रुपये के बीच की प्राइस क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार जो है मंडे को तेजी तो देखने को मिलेगी, पर क्योंकि जो कैंडलस्टिक जो पैटर्न का जो डेटा है अभी टाइम देखने को मिल रहा है वो बड़ी तेजी को भी दर्शाता हुआ नजर आ रहा था। कि दोस्तों आज जो लगभग यहाँ पे इंट्राडे में जो क्लोजिंग देखने को मिली उससे पहले दोस्तों ओपनिंग के वक्त ही जो सेलिंग का जो दौर था वो यहाँ पे देखने को मिल चुका था, और बड़ी सेलिंग आज फिर से यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस वजह से मार्केट में जो क्रेज यहाँ पे देखने को मिला है वो ऑपरेटर्स की वजह से देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे धीरे धीरे जो तेजी पिछले 1 महीने से भी अगर यहाँ पे देखी जाए तो वो तेजी काफ़ी मल्टी वगैरह देखने को मिल रही है। और इस प्रकार की तेजी अगर क्वार्टर वन तक यहाँ पे चलती है तो कंपनी का जो टारगेट है वो दोस्तों 20 से बढ़कर 25 तक भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाला टारगेट यहाँ पे माना जा सकता है, और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट पर भी आ रहा है। तो इस प्रकार काफ़ी जल्दी जो रिकवरी है वो यहाँ पे नजर आ सकती है। तो इस वजह से मैं आप लोग को रिकमेंड कराता हूँ कि होल्ड एंड यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल वापस रिकवर हो रहा है, टारगेट बड़ा हिट मार सकता है, और इस प्रकार जो है आप लोग का प्रॉफिट टर्म में और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म्स में यहाँ पे बुक यहाँ पे हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग को मैं बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलता हूँ। दोस्तों उससे पहले बता दूँ चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। आइए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। और दोस्तों सबसे बड़ी जो गलती की मैं बात यहाँ पे कर रहा था, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 14,41,790 शेयर जो आज के इंट्राडे में सेलिंग पर यहाँ पे देखने को मिले हैं, और उसी सेलिंग की वजह से मार्केट में दोस्तों बड़ी जो गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिली है। क्योंकि दोस्तों मार्केट जो है ओपनिंग जो तेजी के साथ ओपनिंग देखने को मिली थी उसी तेजी की बात अगर जो अचानक यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली और उसी सेलिंग में दोस्तों मार्केट यहाँ पे गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ चला गया और मार्केट 16 रुपये पर ही क्लोज यहाँ पे देखने को मिल गया। अभी टाइम आज का टोटल इंट्राडे का कारोबार अगर यहाँ पे देखा जाए तो 11,56,85,551 शेयर आज के इंट्राडे पर देखने को मिली। कंपनी की इंपैक्ट को अगर यहाँ पे देखी जाए तो 0.22 की देखने को मिल रही है, पर आज की इंट्राडे की डिलीवरी अगर यहाँ पे देखी जाए तो वो दोस्तों 29.35% की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिली है। पर उसी प्रकार गिरावट की कुछ वजह दोस्तों इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिला, क्योंकि इंडियन मार्केट आज क्रेज यहाँ पे फिर से देखने को मिला। निफ्टी 50 पर बड़ी गिरावट यहाँ पे फिर से नजर आई है, पर उस बीच कंपनी के दोस्तों जो अपडेट को लेकर यहाँ पे अपडेट देखने को मिलने वाली थी क्वार्टर वन को लेकर, पर कंपनी ने अभी तक कोई अपडेट यहाँ पे इश्यू नहीं किया है, क्योंकि लास्ट अपडेट जो 21 जुलाई को यहाँ पे देखने को मिला उसके बाद कंपनी ने कोई अपडेट
का यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, पर कंपनी का जो अपडेट है यहाँ पे दोस्तों जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और क्वार्टर वन को लेकर जो अपडेट यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने वाला था कि कंपनी के जो आउटलुक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो अभी के टाइम जो एक्सपर्ट की जो कुछ आउटलुक्स के जो रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा बन सकता है। और कंपनी का जो डेटा है वो दोस्तों आप लोग को 1 से 5 तारीख के बीच में, यानी कि 1 से 5 अगस्त के बीच में आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो जल्दी आप लोग को जो रिकवरी है वो भी अच्छी खासी बनने वाली है। और कंपनी का जो है दोस्तों रैली जो है क्वार्टर वन में बड़ी यहाँ पे आ सकती है, तो वेट एंड होल्ड यहाँ पे बना सकते हैं। सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनी की पिछले टाइम से क्रिटिकल देखने को मिल रही थी, पर अभी के टाइम कंपनी का जो डेटा है वो यहाँ पे धीरे धीरे नॉर्मल यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों इस एनालिसिस के बारे में अपना जो भी डिसीजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।